भारत माता की भारत माता की बीजेपी ने ही दिया, किसी और पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया, इसको तो मान के चलना पड़ेगा। अब जो मिला है वो तो हम स्वीकार करते हैं। हमारे अशोक गुजरिया जी हर लेवल पे कर रहे हैं। जम्मू जिला साउथ के प्रभारी है और वर्तमान में ये यहाँ और हमारे बीच जिनको एक जीवो वाली दी गई अभी घोषणा करेंगे हमारे अशोक जी और मंच का हम तन मन धन से पिछले 25 सालों से पार्टी का काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो मुझे शताब्दी संघ का प्रोपर विलन बनाया गया है। मैं अपने समाज को ये आश्वासन देता हूँ कि जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हमारे लोगों को कोई ना भिजाना, हम अपने समाज के साथ मिलकर खड़े रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। विजय हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी का जो शरणार्थी प्रकोष्ठ है उसका राज्य का सह संयोजक को कन्वीनियर के नाते उनके लिए जिम्मेवारी मिली है। तो उसी उपलक्ष्य में पहले तो उनको मैं बधाई देता हूं कि वो बने हैं। साथ में मेरे सामने मेरे भाई महेंद्र जी, सुरेंद्र जी, जस जी और भारतीय जनता पार्टी रही है कि हम नीचे से कार्यकर्ता जमीन से निकलता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसी कड़ी में दारा सिंह का मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई पारिवारिक ऐसा कोई पॉलिटिकल होगा कि परिवार से पहले पॉलिटिकल लोग थे, धीरे धीरे कार्यकर्ता के नाते धीरे धीरे चलता है कर्मठ कार्यकर्ता। अन्य पार्टियों में ये व्यवस्था रहती है कि जिसका बाप पहले किसी ओहदे पे था उसका बेटा भी ओहदे पे जाता है, उसका पोता भी जाता है, एक परम्परा चलती है। परंतु में कार्यकर्ता निचले स्तर से निकलते हैं और अपनी मेहनत के बल पे और अपना कार्य करने के बल पे आगे बढ़ता है। जिस प्रकार हम सब लोग आगे भारतीय जनता पार्टी शरणार्थी सेल की तरफ से सरदार दारा सिंह जी को, जो कि एक बहुत ही कर्मठ और पुराने कार्यकर्ता थे, उनको भारतीय जनता पार्टी शरणार्थी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक के नाते उनको जिम्मेवारी मिली है। उसी उपलक्ष्य में लेके आज यहाँ पे उनका स्वागत का कार्यक्रम था। समाज को से समाज की तरफ से उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और साथ में पार्टी के हमारे सारे जो पदाधिकारी एडवोकेट देवराज शर्मा जी जो कि हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनके साथ गाड़ीगढ़ मंडल के अध्यक्ष श्री विजय शर्मा जी और हमारे यहाँ के पूर्व मंडल अध्यक्ष कुलदीप राय जी, इनके साथ यहाँ के जितने भी पुराने कार्यकर्ता यशपाल जी हैं, मंडल के हैं, जिला के हैं, जितने भी, उन्होंने सब मिलकर इनका स्वागत किया और ये सभी अपेक्षा रखते हैं कि वो इस अपने समाज के लिए तन मन धन से कार्य करेंगे और पार्टी को, जहाँ संगठन को मजबूत करेंगे।
मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी, संगठन मंत्री अशोक कोल जी, रिफ्यूजी वेलफेयर सेल के कन्वीनर अशोक खजूरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरपंच एडवोकेट देवराज जी, मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जी इन्होंने जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं तन मन धन से पार्टी की सेवा करूंगा और जो अपने समाज रिफ्यूजी समाज शरणार्थी समाज है उनकी जो परेशानी है वो पार्टी के फ्लोर तक पहुंचाएंगे और वहां से इन लोगों की जो परेशानियां हैं उनको पहुंचाएंगे और हल भी करवाएंगे। जय हिंद जय भारत।